हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 65th बीपीएससी मेंस के मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्टली 38 नंबर यानी 38 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा और वो 38 मार्क्स का होता है और इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है और इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है, डायनेमिक इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आप आंसर तैयार कर लेते हैं तो वो आप इस अच्छे से जाके वहां लिख देंगे तो इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के तरफ से बहुत तरीके के कोर्सेज आपको अवेलेबल कराए गए हैं पेनड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज के रूप में, जैसे कि SSC, UPSC, SSC JEE, टीचिंग एग्जाम्स, DMRC के लिए, UGC, नेट, NABARD और भी बहुत कुछ। तो आप इन साइट्स को विजिट कर सकते हैं, studyiq.com साइट पर जा सकते हैं या फिर आप पेन ड्राइव या एंड्रॉयड कोर्सेज को देख सकते हैं। इसके लिए आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से जाके studyiq की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। अब जरा बात हो जाए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा और studyiq के टॉप एडुकेटर्स के बनाए गए कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं abhinav_sir और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब देखिए बात कर ली जाए 65th बीपीएससी मेंस में इस टॉपिक की, तो यहाँ आप देखेंगे टोटल मैंने चार नाम दे रखे हैं, मौर्यन आर्ट, पाल आर्ट, पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग्स। देखिए यही तीन टॉपिक्स ऊपर वाले जो हैं, ये मधुबनी की बात अभी छोड़ दीजिए क्योंकि बस ये करेंट्स में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, तो मैंने बस दे दिया कि इसके बारे में 10, 4, 8, 6 जो भी है वोटर पॉइंट्स आप रख लीजिए, इन केस एग्जाम में आ जाता है तो आपको काम आएगा। और ये मौर्यन जो है ये 64th में आ चुका है तो इसके आने के चांसेस बहुत ही कम है, नेक्स्ट टू जीरो है। अब बच गया दो, पाल आर्ट और पटना कलम, और ये दोनों मैं आपको बहुत अच्छे से तैयार करवा रहा हूं यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पटना कलम से। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो पिक्चर्स नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये पटना कलम है। पटना शहर के नाम पर है और कलम मतलब कि ब्रश पेंटिंग के लिए जो यूज किया जाने वाला गैजेट है, गैजेट तो कहना इनअप्रोप्रिएट होगा, जो भी मतलब कह लें कि टूल यूज किया जाता है उसके लिए। देखिए ये जो पटना कलम है बहुत ही खास है क्योंकि ये दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग है। ध्यान दीजिएगा, बिहार से रिलेटेड है और वर्ल्ड दुनिया का पहला इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग है जो कि पूरे तरीके से कहले कि एक्सक्लूसिवली डील करता है कॉमन लोगों के लाइफ से। नहीं तो इससे पहले क्या देखते थे आप कि जो राजा महाराजा के कोर्ट्स होते थे वहीं वहीं पर पेंटिंग होती थी, राजा के आलिशान भवन की, कोर्ट रूम की पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग्स अलग अलग है जो कि रॉयल फैमिली से रिलेटेड होते थे, लेकिन वहां पर कोई भी वैल्यू तवज्जो नहीं दिया जाता था एक आम जीवन के, जनजीवन के लाइफ स्टाइल को। और यही खास बात है पटना कलम की, ये फ्री स्टाइल है, इंडिपेंडेंट स्कूल है। तो ये टर्म जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिंदी मीडियम से लिए मतलब हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि हाँ ये एक तरीके से बिल्कुल स्वतंत्र रहा है और यहाँ पर कॉमन लोगों को दिखाया गया है और इस तरीके से ये जो स्पेशलिटी थी इसकी यही इसको पॉपुलर बनाती है, गेंड पॉपुलरिटी या गेंड क्वाइन कह लीजिए अच्छा लगेगा। और इसके तीन जो प्रिंसिपल सेंटर्स हैं, तो एक हो गया पटना जहाँ के नाम पर है और जो बिहार के लोग हैं वो जानते हैं कि पटना से थोड़े ही दूरी पर ये दानापुर है, जिला पटना ही है, और एक बगल में जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी हेडक्वार्टर है आरा। तो पटना, दानापुर और आरा ये तीनों जो शहर हो गए यही प्रिंसिपल सेंटर्स रहे हैं पटना कलम आर्ट के। अब शुरुआत कैसे होता है इसका ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप समझेंगे कि जो मुगल्स थे जो कि काफी धनाढ्य थे और वो जब कोई भी स्टेट देखिए कहीं पर कभी हो बात, या अशोक के समय की बात कर लीजिए यानी कि मौर्य कला की बात कर लीजिए, या पाल कला की बात कर लीजिए, या दुनिया के कोई भी कला की बात कर लीजिए, तो जो आर्ट फॉर्म है ना वहीं पर प्रॉस्परस होता है जहां पर की प्रॉस्पेरिटी होती है, जहां पर सरकार के पास या जो राजा है उसके पास अलग से पैसा रहेगा और टेंशन मुक्त रहेगा अगर वो, तभी तो चाहेगा कि हाँ एक मंदिर बनाई जाए, एक अच्छा सा स्कल्पचर डिजाइन किया जाए, एक अच्छा कहने की पेंटिंग बनवाई जाए। और जो स्टेट है हमेशा युद्ध में लगा रहेगा उसके पास कहां से वक्त आएगा कि वो इन तरीके के जो नाजुक चीजें हैं उन पर ध्यान दे।
तो यही बात है कि जो राज्य बहुत बड़े होते हैं उनको इस तरीके का रिबेलियन का फिकर नहीं होता है, तो वहां पर प्रॉस्परस होता है आर्ट एंड कल्चर। एग्जाम्पल के लिए जो मौर्य थे, और मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जितना बड़ा साम्राज्य रहा और वो जिस तरीके से फूल फल रहे थे, तो वहां पर मौर्यन आर्ट डेवलप हुआ। ये पाल जो है बहुत बार ट्रिपल टाइट जो त्रिपक्षीय स्ट्रगल है उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, फिर भी जब इनका समय आया प्रॉस्परस होने का, जब ये काफी प्रॉस्परस थे, तो इन्होंने भी बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया है आर्ट एंड कल्चर को। इसी तरीके से जो मुगल्स थे, तो मुगल्स के समय में जो ये बाबर का समय था और हुमायूं, तो ये समय दोनों लड़ने झगड़ने में बिता दिए अपनी जिंदगी। लेकिन एक हद के बाद जब अकबर राजा बनते हैं, या फिर उनके बाद जहांगीर, या फिर जो शाहजहां का समय होता है, तो ये लोग काफी ज्यादा कह लें कि बड़े राज्य का राजा है, इनके पास इनॉर्मस वेल्थ है, तो ये खर्च करते थे, प्रमोट करते थे आर्ट एंड कल्चर को। तो आर्ट एंड कल्चर का कहीं पर डेवलपमेंट होगा जहां पर कि साउंड इकोनॉमी होगी, साउंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। और जो डेवलपमेंट होता है पटना कलम का, ये भी इस बात का एक सूचक है। तो जो मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ये इन्फ्लुएंस किया है बहुत सारे इंडियन स्कूल्स ऑफ पेंटिंग को, जो कि उसके बाद फ्लोरिश हुए हैं, जैसे उसमें से एक पटना कलम है, और भी बहुत सारे जैसे कांगड़ा पेंटिंग या जो राजपूताना स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, ये सब कहीं ना कहीं मुगल स्टाइल से ही इन्फ्लुएंस्ड रहा है। और पटना कलम जो है ये फ्लोरिश होता है 18th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी के बीच में बिहार में। अब जरा आ जाते हैं मैप पर और देख लेते हैं पटना कलम के सेंटर्स को। तो ये तो पटना डिस्ट्रिक्ट है, काफी बड़ा है, इसके ऊपर फिल्म्स में सवाल भी आया था कि ये जो कितने डिस्ट्रिक्ट से टच करता है, या ऐसा कभी सवाल आ चुका है पहले। तो यहाँ देखिए ये पटना है, और पटना से आरा है, यहाँ पर ये भोजपुर का हेडक्वार्टर, और इनके बीच में दानापुर। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो जाते हैं पटना कलम के, ये आप दिखा दे सकते हैं। आपको करना क्या है, एक बहुत ही मतलब आप कैसे भी एक बिहार का मैप बना दीजिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बीच से गंगा नदी जा रही है, तो यह इधर पटना है, और पटना के पश्चिम में आप आरा दिखाएंगे, और यहाँ दानापुर इस तरीके से दिखा दें, या पटना आरा दिखा दें, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा स्पेस का भी कंजम्पशन हो जाएगा और आपके आंसर को एक नया अवतार मिलेगा। जो ये शुरुआत है, जिनेसिस है पटना कलम का, उसको आप देखेंगे कि मुगल एरा से है, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन होता क्या है कि जो औरंगजेब का समय आता है, तो औरंगजेब जो है ना वो आर्ट लविंग व्यक्ति तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो उस समय जो पेट्रोनेज की कमी होने लगी, या जो 16th सेंचुरी में औरंगजेब के बाद जो राजा आते हैं वो खुद में अपने कंफ्लिक्ट में रहते हैं कि हमें राजा बनना है, ये फर्रुख सियार का दौर था, या उसके बाद जो भी थे ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जब साउंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, साउंड इकोनॉमी नहीं थी, तो कहां से आर्ट पनपेगा, वो पेट्रोनेज नहीं दे पाए, तो यहाँ के जो पेंटर्स थे वो माइग्रेट कर जाते हैं। अब ये जो पटना है, तो पटना नाम आता है कहां से, ये जो नया नाम है पाटलिपुत्रा शहर का नया नाम था, और ये जो कलम है तो ये डिनोट करता है स्टाइल ऑफ पेंटिंग को, तो पटना कलम का शाब्दिक अर्थ आप समझ गए। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि इसके अगर कहेंगे कि सही मामले में अगर शुरुआत कहां से होती है, तो एक पेंटर का नाम है मनोहर, और ये मनोहर की पेंटिंग है, देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वो मतलब कि पारसी भाषा में या उर्दू या जो भी अरबी भाषा में लिखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ये पारसी होना चाहिए। तो ये जहांगीर के कोर्ट का पिक्चर है। तो ये जो मनोहर हैं, इनके बाद के जो पेंटर्स होते हैं उसमें ही कहीं ना कहीं बात होने लगी कि हम एक इंडिपेंडेंट पेंटिंग करेंगे। तो ये सब कुछ होता है औरंगजेब के बाद, ये बात फुल फ्लेज आ जाती है। तो जो पेट्रोनेज की कमी होती है, तो आर्टिस्ट जम्मू कश्मीर चले जाते हैं, कुछ लोग हिमाचल प्रदेश के मंडी में चले जाते हैं, कुछ लोग राजस्थान उदयपुर उत्तर प्रदेश में, और कुछ लोग बंगाल मुर्शिदाबाद के क्षेत्र में आ जाते हैं। अब हमें ध्यान देना है ये मुर्शिदाबाद वाले रीजन पर, बंगाल वाले क्षेत्र पर, क्योंकि बिहार उस समय बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। ये बात आप जानते हैं कि बिहार बहुत बाद में अलग हुआ है, तो कब हुआ है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ है। अब ये देखिए, यह मीर जाफर राजा हुआ करते थे बंगाल का, और उन्होंने पेट्रोनाइज किया इन आर्टिस्ट को, और उन्हें रहने का जगह दिया, कहां पर, तो जो बालूचक जगह है। लेकिन जो ये मीर जाफर है, ये थोड़ा एरर हो गया, ये मीर जाफर जो है इनके जो पुत्र हुए उनको इंटरेस्ट नहीं था आर्ट एंड कल्चर में, और फिर यहाँ पर पेट्रोनाइज की कमी होती है, कोई सपोर्ट नहीं दिखता है, और अपना जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए ये जो पेंटर्स हैं पटना दानापुर और आरा के रीजन में माइग्रेट कर जाते हैं, जहां पर कि ब्रिटिशर्स का रूल रहता है,
और यहाँ पर कुछ ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिलता है और कुछ अप्रिसिएशन यहाँ के बड़े बड़े जमींदारों का मिल जाता है, लैंडलॉर्ड्स का मिल जाता है, और ये जो आर्ट है फ्लोरिश होने लगता है। तो करीब 200 साल का इतिहास है ये फेज ऑफ ग्लोरी रहा 1760 से लेके करीब 1950 तक। और जो इसका चरमोत्कर्ष रहा, जो कि सबसे बढ़िया फेज रहा, वो 1850 से 1880 के बीच का रहा। और 1950 के बाद, मतलब कह लीजिए कि आजाद हुआ है जब से हमारा देश, तब से इसका डिटोरिएशन हो गया, मतलब ये गिरने लगा। अब उसके वो महत्व जो है वो समय के साथ खत्म होने लगा। यहाँ पर बहुत कुछ आपको लिखना पड़ेगा पटना कलम के बारे में और बहुत कुछ जानना पड़ेगा, जैसे कि वो कौन से कलर्स हैं जो यूज किए जाते थे, किस सीजन में पेंटिंग की जाती थी, बैकग्राउंड में क्या होता था, पेंट ब्रश कैसा यूज होता था, पेंटिंग की सब्जेक्ट क्या थी, क्या बॉर्डर्स यूज होते थे या नहीं होते थे, कैसी कैसी टाइप्स होती थी पेंटिंग्स की, किस सीट पर बनाया जाता था, और ये कजली स्याही क्या है। अगर आप इतने बातों को लिख देंगे आपके आंसर में तो आपका आंसर जो है संपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब कलर की अगर बात करें तो कलर जो है ना एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंडिजिनियसली प्लांट से, यानी जो देसी रूप से वहां लोकली जो प्लांट्स मिलते थे उन्हीं के बार्क यानी छिलका से, फूलों से, पत्तियों से, इस तरीके से कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता था। और कभी कभी मेटल्स का भी यूज किया जाता था, जैसे कि कहीं गोल्डन कलर का यूज करना है तो उसके लिए गोल्ड का भी यूज किया जाता था, यानी सोना भी यूज किया जाता था। और जो पेंटिंग्स है यहाँ आप देखेंगे कि लाइट कलर्ड स्केचेज होते थे और लाइफ लाइक रिप्रेजेंटेशन, आगे हम बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिखाने वाले हैं। तो जो कलर है ना उसमें ये आप कुछ जान देख सकते हैं कि जो रेड कलर है वो रेड सैंड स्टोन से बनाते थे, येलो कलर है तो वो हड़ताल स्टोन से बनाते थे, लेकिन यही अगर ब्राइट येलो कलर चाहिए तो उसके लिए गाय को पहले हल्दी खिलाते थे और फिर उसके बाद जो गाय का यूरिन था यानी जो मूत्र है उसको कलेक्ट करते थे, उससे ब्राइट येलो कलर बनाते थे। इफर्ट देख रहे हैं पेंटर्स की। आगे देखिए ब्लू, तो इसके लिए ब्लू स्टोन, ब्लैक के लिए काजल काली का यूज होता था, लैम्प ब्लैक का यूज होता था, और व्हाइट के लिए व्हाइट सेल, इस तरीके के मटेरियल्स का यूज होता था। अब बात करें सब्जेक्ट की, तो जो पेंटिंग्स होती थी डेली लाइफ पर बेस्ड होती थी, एबंडेंस दिखेगा। और आप यहाँ देखेंगे कि डेली लेबरर्स नजर आते हैं, फिश सेलर नजर आता है, बास्केट मेकर यानी टोकरी बनाने वाला, बड़ी देसी भाषा में उसको ओड़ी बोलते हैं, तो ये बास्केट मेकर्स होते थे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब आप देखिएगा कि वहां पर कॉबलर भी नजर आएंगे और भी बहुत तरीके के, मतलब अलग अलग प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको ही रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन आप कहीं भी, जैसे कि अगर आपको कपड़ा धोते हुए इंसान का पिक्चर भी नजर आएगा कहीं पे, लेकिन आपको उस तरीके से उस कास्ट को डिजिग्नेट करते हुए नहीं लिखना है, क्योंकि इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट जाएगा आंसर राइटिंग पर। तो आप उसमें क्या कहेंगे कि कपड़ा धोता हुआ व्यक्ति या मछली बेचता हुआ पुरुष। अब ये कई सारे रीजनल या फोक लैंग्वेजेज में अलग अलग नामों से बोलते हैं कि जो मछली बेचता है उसके लिए एक शब्द कहते हैं, लेकिन वैसे शब्द को टारगेट नहीं करना है, इसे एक कहने की खराब एस्पेक्ट बनेगा आपके आंसर का, ये ध्यान दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है पटना कलम का वो क्या है कि वो नहीं पेंट करते थे कोई भी लैंडस्केप बैकग्राउंड में, यानी कि जो बैकग्राउंड होता था वो प्लेन होता था, जनरली व्हाइट होता था, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड खाली रहता था। एक बात मैं बताना यहाँ पर भूल गया, जब मैं कह रहा था कि जब ये आरा को आते हैं, पटना को आते हैं, दानापुर को आते हैं, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिलता है, तो कई बार ये जो पेंटिंग है ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पेंटिंग से भी इन्फ्लुएंस्ड है, और इसको कितनी बार कहा जाता है कि ये कंपनी स्टाइल पेंटिंग है। तो पटना कलम का जो आंसर आप शुरुआत करें वहां पे कंपनी स्टाइल पेंटिंग आप कह सकते हैं। जो दूसरी खास बात है पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की, ये था डेवलपमेंट ऑफ शेडिंग ऑफ सॉलिड फॉर्म्स, ये हम पेंट पिक्चर देखेंगे तो समझ आएगा। जो ये पेंटिंग्स थे ये पेंट किए जाते थे स्ट्रेट वे विथ ब्रश, ऐसा नहीं है कि पहले स्केच बना रहे हैं उसके बाद उसमें रंग भरने का काम कर रहे हैं, नहीं, इतने स्किल्ड लोग थे डायरेक्ट ब्रश से बनाते थे, कोई पेंसिल नहीं यूज करते थे, कोई आउटलाइन बनाते नहीं थे, कॉन्टर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक बार में बन रहा है। और यही जो टेक्निक है इसको कजली स्याही कहते हैं। कजली मतलब ये काजल के सेंस में मुझे लग रहा है, और स्याही मतलब हो गया इंक को कहते हैं हिंदी में स्याही, तो जो ब्लैक स्याही है, इस तरीके से डायरेक्ट ब्रश से वो बनाते थे, पेंट करते थे, डायरेक्ट करते थे, ठीक है। अब जो कुछ कुछ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं, जैसे कि पटनिया एक्का, यानी एक्का कहते हैं हॉर्स कार्ट को, और पटना से रिलेटेड है, जैसा पटना में उस समय एक्का चलता था, एक्का गाड़ी, तो पटनिया एक्का, ये ओल्डेस्ट पेंटिंग स्टाइल है, ये एक स्टाइल हो गया पेंटिंग का। जैसे ये आप देख पा रहे हैं ये टमटम है या पटनिया एक्का है, और ये शिवलाल जी के द्वारा पेंट किया गया है, ध्यान दीजिएगा,
इसी तरीके से ये शिवलाल जी का ही जो मुस्लिम वेडिंग का पेंटिंग है वो भी बहुत खास है। गोपाल लाल ने जो होली की पेंटिंग की है और महादेव लाल ने जो रानी गंधती की पेंटिंग की है। तो आपको इंपॉर्टेंट हो गया कि ये आप सारे पेंटर्स का नाम याद रखेंगे। अब शिवलाल जी ने जो जो पेंटिंग की है, जो इंपॉर्टेंट इनके पेंटिंग्स हैं गोपाल लाल के और महादेव लाल के, ये पेंटिंग्स आप बता सकते हैं। अब जरा हम देख लेते हैं कुछ कुछ पेंटिंग्स का। जैसे ये सेलिब्रेशन है, होली का सेलिब्रेशन। इसी तरीके से ये गोलघर, पटना का गोलघर, और इसकी पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक स्नेक चार्मर है, इनकी पेंटिंग है। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखा रहा हूँ जो कि मैंने राजसभा टीवी से डायरेक्टली उठा रखे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग क्या है, लकड़ी के साथ काम कर रहे हैं, पैसे से ये बढ़ई हैं, तो इनको दिखाया गया है। अब इनके चेहरे को देखिएगा तो ये जो नाक वगैरह वाला जो पोर्शन है, इसके बारे में आपको अप्रिसिएशन करते हुए लिखना है कि काफी शार्प नाक वगैरह बनाया गया है। जहां मूछे नजर आती है मर्दों की, वो काफी घनी मूछे हैं, इस तरीके से दिखाया गया है। बैकग्राउंड आप देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन नजर आ रहा है, और उसका वजह ये कहा गया पेंटर्स के द्वारा कि हम ऐसा पेंटिंग करना चाहते हैं कि पूरा फोकस जो है लोगों पर रहे, बैकग्राउंड पे फोकस ना जाए, तो इसलिए यहाँ पर बैकग्राउंड मिनिमम रहती है या नहीं ही रहती है। ये तो हो गया ना। अब बात अगर करें कि हाँ ये पेंटिंग्स वगैरह जो होते थे तो कुछ खास सीजन्स में होते थे। कलर का तो देख लिए, सीजन में होते थे। तो जब जो बरसात का मौसम होता है वो सबसे कम उस समय डस्ट उड़ता है, और उसी समय कलर बनाने का काम होता था। विंटर सीजन के मॉर्निंग में जब धूप जो है बहुत ज्यादा ना हो, उस समय कलरिंग का काम किया जाता था, और इस तरीके से उस पर चमक लाने के लिए उसको फिर आगे रखते थे बहुत समय तक। और कलर के स्ट्रेंथ को बचाए रखने के लिए उसमें कई बार ये बकरी के दूध का गोट मिल्क यूज किया जाता था। बैकग्राउंड आप समझ गए, अक्सर व्हाइट होता था, और यही इसको अलग बनाती है बहुत सारे अलग पेंटिंग से। भले ही वो मुगल हो या कोई भी हो, आपको यहाँ पर बॉर्डर भी नहीं नजर आ रहा है, कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं होती है। ये होली का एक पिक्चर है, आप देख पा रहे हैं। पेंट ब्रश की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो कलर है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाते थे, इसी तरीके से पेंट ब्रश भी नेचुरल वे से बनाते थे। इसके लिए गिलहरी का जो कह लें कि फर है, या फिर नेवला का फर, और गाय घोड़ा का जो पूंछ का बाल है उसका यूज करते थे पेंटर्स, और खुद से ही ब्रश भी बनाने का काम करते थे। अगर हार्ड ब्रश चाहिए तो ऊंट का बाल हो गया, या ऊंट के पूंछ का बाल। अगर सॉफ्ट पेंटिंग करनी है कहीं पे तो उसके लिए कह लें कि नेवला का फर या फिर गिलहरी का फर, ये सब यूज किया जाता है। सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग तो आप समझ ही गए कि ये कॉमन लोगों को दिखाया जा रहा है किस तरीके से। अब यही इसकी खास बात है, बॉर्डर नहीं है जो पेंटिंग्स है। तो इसको मार्केट स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी या बाजार स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहते हैं, कई बार इसको फिरका भी कहते हैं। सीट क्या यूज होता था, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये प्लेन पेपर पर बनाते थे, तो प्लेन पेपर यूज होता था। कई बार हाथी के दांत को यूज करते थे, टस्क यूज होता था, और कभी कभी आप देखेंगे कि माइका या फिर सिल्क, इन चीजों पर भी पेंटिंग दिखती है। कजली स्याही का मतलब आप समझ चुके हैं। तो अब बात आती है कि क्या खास बात है इन पेंटिंग्स में। आपको बैकग्राउंड में पेंटिंग नजर आ रहा है, इसमें क्या खास बात है? यहां पर कोई धर्म का बैरियर नहीं है, आपको यहां पर धर्म का बैरियर नहीं दिखता है कि केवल यहाँ पर हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का पेंटिंग केवल होगा, ऐसा नहीं। यहाँ सभी मिक्स नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होली का तस्वीर है, मैंने यहाँ पहले आपको बताया कि एक मुस्लिम वेडिंग की भी बात हुई। इसी तरीके से ये जो पिक्चर है, इसमें जो व्यक्ति नजर आ रहे हैं ये कैप पहने हैं, इससे इनका धर्म का पता चलता है कि ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये धर्म के नाम पर पेंटिंग को नहीं बांटता है, तो ये अपने आप में बहुत सेकुलर है। दूसरी ये बात है कि एक जो छोटा से छोटा कहीं पर बाल दिखाना है ना, उसको भी काफी प्रेसाइज वे में, सिग्निफिकेंस वे में दिखाया गया है। जैसे ये आईब्रो के ही बाल को यहाँ ध्यान से देखिए, कितनी बारीकी से यहाँ पर दिखाई गई है। आप सोचिएगा तब आपको पता चलेगा कि बहुत बारीकी से यहाँ पर, जैसे शरीर पर के भी जो कहने की बाल होते हैं उनको ही बहुत इंट्रिकेट वे में दिखाया गया है। तो ये इसकी खास बात है। कनेक्टिंग डॉट मेथड यूज किया गया है कई बार पेंटिंग करने के लिए, और कुछ कुछ जो पेंटिंग है इसको कंसीडर किया गया है कि ये मुगल पेंटिंग से भी बेटर पेंटिंग्स रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पिक्चर है ये एक भिश्ती है जो कि पानी कैरी कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है। और इसका जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, जो उसका 30 साल का समय होता है, 1850 से लेकर 1880 का समय जो कि उसका चरमोत्कर्ष रहता है, तो ये बहुत अच्छा समय होता है। और यहाँ देखिए कुछ पेंटर्स के नाम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताए थे,
और आप कभी भी अभी के लिए भी नोट डाउन करते जाइए। जैसे आपको याद रखना है हमेशा सेवक लाल, इनका नाम याद रखेंगे। दूसरा आप नाम रखेंगे याद, हुलास लाल का नाम याद रखेंगे। तीसरा, ये लोग काफी इंपॉर्टेंट हैं और यही फर्स्ट कमर्स कहे जाते हैं कि ये पटना आए हैं और सेटल किए हैं खुद को पटना सिटी में और अगल बगल के इलाके में। इसी तरीके से शिवलाल और शिवदयाल, ये दो लोग हैं जो कि आके इसको स्टडी किए हैं। ये तो पेंटर्स आए और पेंटिंग करने लगे, कुछ बाहर से लोग आके स्टडी भी करते हैं। और सबसे बात खास जो है यहाँ पर, ये 1861 की बात है, 1861 की, जो मिस्टर चार्ल्स हैं, मिस्टर चार्ल्स, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आपके आंसर को अलग बनाएगा। तो ये बहुत बड़े आर्ट के एंथुजियास्ट थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया पहला लिथो प्रेस, ताकि ये जो पेंटिंग की डिमांड है उसको पूरी की जा सके, लोगों तक इस पेंटिंग को पहुंचाया जाए। इसके लिए पहला जो है ना 1861 में मिस्टर चार्ल्स के द्वारा पहला लिथो प्रेस खोला जाता है पटना कलम के लिए। जो लास्ट आर्टिस्ट है पटना कलम के जिनका बहुत ज्यादा नाम है, वो है ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ईश्वरी प्रसाद वर्मा, ये नाम याद रखना है क्योंकि ये लास्ट कह लें या आखिरी इंपॉर्टेंट पटना कलम पेंटर हैं। अब यहां पर जरा बात हम कर लेते हैं कि ठीक है ये डाउनफॉल तो हुआ है, लेकिन इसके डाउनफॉल के वजह क्या रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि फॉरेनर से इनकम घटने लगी, समय के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ और इसको बहुत कड़ा टक्कर देने लगा कैमरा। लोग उसे क्या है, रियल तस्वीरें कैप्चर कर लेते थे और कैमरा जो इन्वेंट होता है जो उसका, इसके बाद मार्केट ही खत्म हो जाता है पटना कलम का। पैट्रोनेज में कमी आती है और बहुत कम ही सपोर्ट मिल पाता है, पैसे कम मिल रहे थे, तो ये भी एक वजह है। एक समय की बात है जबकि ये बहुत अपने चरमोत्कर्ष पर था। और कई बार ये भी कहा जाता है कि जो मिथिला पेंटिंग है उससे भी इसको बड़ा टक्कर मिलने लगा था, ठीक है। और जो ब्रिलियंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, जो कि एक बहुत बड़ा राइवल हुआ कि दिल्ली आर्ट जो है उसका एक बहुत बड़ा राइवल रहा उसका, आप देखिए कि दुनिया का पहला जो इंडिपेंडेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग है पटना आरा दानापुर में फ्लोरिश होता है। इसके बहुत कम ही जो है ना अभी के लिए पेंटिंग्स बचे हुए हैं, प्रिजर्व हैं, कुछ कुछ मैंने आपको दिखाया भी है, तो उससे आप खुद को कनेक्ट करके देख सकते हैं। और आप बताएंगे कि पटना का जो आर्ट कॉलेज है उसके लाइब्रेरी में और पटना का खुदाबख्श म्यूजियम, इसके अलावा ब्रिटेन के अलग अलग म्यूजियम्स में और कलकत्ता के भी म्यूजियम में कुछ कुछ पेंटिंग्स को प्रिजर्व किया गया है। तो इस तरीके से आप इसको निगेटिव इंड पर भी छोड़ सकते हैं और पॉजिटिव इंड पर आप ले जा सकते हैं इस आंसर को, तो बेहतर रहेगा। आप बताएंगे कि वापिस से जो गवर्नमेंट है इसको रिवाइव कर रही है, पटना कलम के लिए कैलेंडर भी जारी किया गया है, पटना के कुछ बड़े बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर कॉफी टेबल बुक में ये पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसका रिवाइवल हो रहा है। और राजसभा टीवी के द्वारा भी एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है जिसको आप जाके देख भी सकते हैं। ये कुछ इस पर इस तरीके से उसको रिवाइवल भी हो रहा है, तो आप इस रूप में उसको दिखा सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, यह है पाल कला, पाल आर्ट। अब इसको पाला मत बोलिएगा, पाला मतलब ठंडा होता है, यह पाल है, ठीक है। तो जो पाल डायनेस्टी जो है, वापिस से आप समझ लीजिए, मैं आपको एक बात कह देता हूं कि जो बिहार है, द रीजन ऑफ बिहार हैज रिमेन बीन अ फर्टाइल बेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। और एक बात हम छोड़ दें सिंधो घाटी की, इंडस वैली की अगर बात हम ना करें, इसके बाद जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं नॉर्दर्न इंडिया में उसका डायरेक्ट आर्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है बिहार से उसका कनेक्शन रहा है। इस बात से भी आप आंसर को शुरुआत कर सकते हैं। और ये पाल जो डायनेस्टी है 8th से लेकर 12th सेंचुरी इनका इतिहास है और बिहार बंगाल का जो क्षेत्र है यही जो इनका क्षेत्र रहा है और इनरिच किए हैं जो कल्चरल ट्रेडिशंस थे मौर्य के और गुप्ता किंगडम्स के। तो पहले आप पाल के बारे में जरा बता देंगे, जो इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है इसमें बंगाल का क्षेत्र आता था, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आता था। अब पाल कला को पढ़ना है तो इसको बहुत बड़े चौड़े स्फीयर में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर भी देखने पड़ेंगे, स्कल्पचर यानी जो मूर्तियां हैं, जो पेंटिंग्स हैं और कुछ टेराकोटा यानी वहां जो मिट्टी से आर्ट बनाया गया था। बहुत कुछ इसमें रिमेनिंग बचा हुआ है और बहुत कुछ समय के साथ खत्म भी हो गया है और ये जो समय के साथ खत्म हो गया यही इसका मेन क्रिटिसिज्म भी है जब हम क्रिटिसिज्म देखेंगे पाल कला का। तो आर्किटेक्चर में आप महाविहार देखेंगे यानी जिस तरीके से उदंतपुरी महाविहार है। अब आप जानते हैं चैत्य क्या होता है, बिहार क्या होता है। चैत्य मतलब हो गया कि प्रेयर हॉल्स हो गए, बिहार हो गए कि जहां पर ये बौद्ध भिक्षुक रहते थे, इसी तरीके से स्तूपा हो गए और मंदिर हो गए। तो अब आप यहां ध्यान दीजिएगा कि जो महाविहार, स्तूप और चैत्य हो गए
ये बुद्धिस्ट से ज्यादा रिलेटेड है, बुद्धिज्म से ज्यादा रिलेटेड है, जबकि ये जो टेम्पल है ये हिंदुइज्म से ज्यादा रिलेटेड थे। इसी तरीके से आपको स्कल्पचर में स्टोन के स्कल्पचर और ब्रॉन्ज के स्कल्पचर नजर आते हैं। अब वापिस से ये जो मूर्तियां हैं इसमें आपको बुद्धिज्म से ज्यादा एक रिलेशन नजर आएगा, लेकिन हिंदू देवी देवता भी नजर आते हैं इक्वली। पेंटिंग्स में आपको कुछ मनुस्क्रिप्ट नजर आएंगे, मैं दिखाऊंगा भी, और कुछ वॉल पेंटिंग्स मुराल पेंटिंग्स थी और टेराकोटा, जिसका एविडेंस मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। तो महाविहार का इस तरीके का कुछ ग्राउंड प्लानिंग होता था। अब जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ बीच में कोर्टयार्ड है, चारों तरफ बरांडा है और उसके अगल बगल या कह लें चारों तरफ बरांडा के रूम्स हुआ करते थे जिसमें कि मॉन्क्स रहने का काम करते थे। तो इम्पोर्टेंट अगर आपको बताना है कि ये इम्पोर्टेंट महाविहार कौन कौन से हैं, तो आप इसे आप बता देंगे तीन नाम जरूर बताइएगा। उदंतपुरी जो कि गोपाल के द्वारा बनाया गया था, विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा, और सोमपुरा ये धर्मपाल के द्वारा ही। उदंतपुरी जो है ये आप समझ लीजिए कि जो आज का बिहार शरीफ कहलाता है उसी का पुराना नाम है उदंतपुरी। तो ये तीनों महाविहार आपको बताने पड़ेंगे। आगे हम देखते हैं स्तूपा को, तो जरा सा स्तूपा की जब बात आए तो वहां पर आप स्तूपा का प्लानिंग बता देंगे तो इससे आपका जो आंसर है ना वो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। एकदम रॉ स्टाइल का स्तूपा बना देंगे, ऐसे अंडा बना देना है आपको, यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स बना दीजिए किसी भी तरीके से, बस रिप्रेजेंटेशन से पता चलना चाहिए, और उसके ऊपर छतरी दिखा दीजिए, इसको हर्मिका कहते हैं, इसको अंडा कहते हैं, ओके। और चारों तरफ आप इसका जो ये प्रदक्षिणा पथ है उसको दिखा देते हैं, एक दो तोरण द्वार दिखा दीजिए इस तरीके से, तो आपका जो ये आंसर होगा तो समझने वाला समझेगा कि नहीं इस इंसान ने काफी फट लगाया है और इसको एक बहुत बड़ी पकड़ है इस चीजों में, इन चीजों में बहुत अच्छी पकड़ है। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना पड़ता है जो कि आपके आंसर को औरों के आंसर से अलग बनाता है। अब बात अगर टेम्पल्स की कर ली जाए तो टेम्पल्स के एविडेंसेज आपको दिखते हैं, जैसे कि रॉक कट टेम्पल जो है भागलपुर के कहलगांव में, इसी तरीके से अर्ध मंडप टेम्पल जो है गया के विष्णुपद में, मतलब विष्णुपद टेम्पल है, इसी के अंतर्गत एक और मंदिर है जिसका नाम है अर्ध मंडप टेम्पल, कहां पर, तो गया में। तो अब क्या आप करेंगे कि जब टेम्पल दिखा रहे हैं, स्तूपा दिखा रहे हैं, महाविहार दिखा रहे हैं, तो आप इसे फिर से बिहार का मैप बना लीजिएगा, उसमें आप क्या करिएगा कि आप एस लिख दीजिएगा, जहां आपको स्तूपा दिखाना था यहाँ एस लिख दिए, जहां टेम्पल दिखाना है यहाँ पर टी लिख दिए, जहां बिहार दिखाना है वहां भी लिख दीजिए, और इस तरीके से इंडेक्स बना के बता दीजिए कि भी का मतलब मेरा क्या है, एस का मतलब क्या है। तो एक ये मैपिंग का काम जो कर दीजिएगा ना बहुत बढ़िया हो जाएगा उसमें। अब जो पाल स्कूल ऑफ स्कल्पचर है इसको देख लेते हैं, तो ये बहुत खास है, यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टोन्स का भी यूज हुआ है और ब्रॉन्ज का भी यूज हुआ है, ये इसकी सबसे खास बात है। अब आप यहाँ पर और क्या बता सकते हैं कि यहाँ क्या खास था, जो यहाँ पर जो स्पेशलिटी थी, या जो यहाँ पर जो फाइनेस्ट यहाँ पर कह लें कि स्कल्पचर्स हैं, तो इसमें एक फीमेल बस्ट का आप चर्चा करेंगे, टू स्टैंडिंग अवलोकितेश्वर इमेज फ्रॉम नालंदा और बुद्धा सीटेड इन भूमि स्पर्श मुद्रा, ये तीन एग्जाम्पल्स आपको बताने होंगे जो कि बहुत ही खास हैं। यहाँ पर और भी आप कुछ बता सकते हैं, तो यहाँ पे आप सिरे परद्यू के बारे में बताएंगे, यानी कि जिसको कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी कहते हैं। वैक्स टेक्निक जो है यहाँ पर होता क्या है कि पहले एक मिट्टी का सांचा बनाते हैं इस तरीके से, और उसमें कुछ भी मोम जैसा चीज भर देते हैं जिसका आकार लेके ऐसा ही अगर कोई मूर्ति बनानी हो तो, ठीक है। अब वापिस से इसमें कहीं कहीं छेद कर देंगे, जनरली ये लकड़ी मिट्टी भी हो सकता है, मिट्टी रखते हैं ताकि ये जले ना हीट की वजह से, और फिर इसको गर्म करते हैं और इस होल से क्या जो होल किए हैं उससे ये पूरा मोम जो है पिघल के बाहर आ जाएगा। अब ये अंदर का सांचा खाली हो गया, अब इस खाली सांचे में क्या करेंगे कि लिक्विड ब्रॉन्ज भर देंगे जो कि जब सूख जाए, जो ठंडा हो, तो वो सॉलिड रूप ले लेगा, और फिर मिट्टी फोड़ के हटा देंगे और आपके सामने एकदम बढ़िया सा स्कल्पचर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये यूज किया गया है बहुत जगह पर, ये इसकी खास बात है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ये कुछ कुछ बेस्ट जो है कह लें कि स्कल्पचर्स हैं जो कि लिए गए हैं पिक्चर्स, ये पाल कला से रिलेटेड है, आप जैसा कि यहाँ देख भी पा रहे हैं इमेज में। अब जब हम पेंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर पेंटिंग दो तरीके के हैं, एक मनुस्क्रिप्ट जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और दूसरा है वॉल पेंटिंग जैसे मुराल, जैसे क्या जनता है लोरा वगैरह की गुफाओं में जो बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये मनुस्क्रिप्ट जो है इसके बारे में आप बताएंगे कि ये पाम के पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर इसको बनाया जाता था, यही बात है कि ये काफी ड्यूरेबल नहीं रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं, यहाँ पर लाइफ ऑफ बुद्धा को ही जनरली रिफ्लेक्ट किया गया है, और भी बहुत सारे देवी देवता जो हैं वो नजर आते हैं, जैसे ये सारे जैसे महायान सेक्ट से ही अधिकतर आप देखेंगे कि रिलेटेड हैं,
और यहाँ पर नेचुरलिस्टिक स्टाइल का यूज किया गया है। आप लिख सकते हैं इन चीजों को, मैं नहीं बार बार इन चीजों को लिख रहा हूं बल्कि बोल दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये हाँ एक ओवरव्यू चीज हो गया, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। उसमें वॉल पेंटिंग के बारे में बता देंगे कि हाँ यहाँ पर कुछ कुछ नालंदा में इसके एग्जाम्पल्स मिले हैं, अब उतने स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। जब टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा मतलब होता है कि एक तरीके का मिट्टी ही हो गया, और जो आर्टिस्टिक और ब्यूटीफुल फॉर्म्स हैं टेराकोटा के, तो ये पाल रूलर्स के समय में दिखता है कि किस तरीके से ये बहुत अच्छे फॉर्म में डेवलप हुआ था। और इसका एग्जाम्पल जो है, जो यूनिक क्रिएशन है बंगाल आर्किटेक्चर का, तो वो दिखता है पहाड़पुर जो एक जगह है वहां पर इसके रिफ्लेक्शन नजर आते हैं। लेकिन जरा सा क्रिटिसिज्म भी जुड़ा हुआ है पाल कला के साथ, तो आप यहाँ यही बताएंगे कि यहाँ पर टेम्पररी मटेरियल्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया, जैसे कि पत्तों का यूज किया गया, मिट्टी का यूज किया गया, जो बारिश हुई खत्म हो गया, मतलब परमानेंट वाली बात नहीं रही। अशोक इतने पहले थे और उन्होंने ऐसे ऐसे चट्टानों को काट के पिलर्स खड़ा करवा दिए कि आज भी वैसे जस के तस खड़े हैं, लेकिन इतने बात के हैं पाल वाले और इन्होंने वो काम नहीं किया। तो आप ऐसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये कितना गलत बात है कि आप किसी के आर्ट को, कला को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब भला जो मिट्टी में बनने वाला चीज है वो कैसे पत्थर में बनेगा? नहीं बन सकता है, परमानेंसी है, दिखता भी है। जो रॉक कट टेम्पल वगैरह है कहलगांव का, वो उसके इपिक एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरी जो बात कही जाती है जो क्रिटिसिज्म के रूप में, मैं तो नहीं मानता हूं लेकिन फिर भी, कि जो ये ज्यादातर स्कल्पचर्स हैं उनका केवल फ्रंट साइड ही बना है, पीछे से वो एकदम रॉ छोड़ दिए गए हैं, चट्टान का टुकड़ा दिखता है। आप जब पटना म्यूजियम में जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स नजर आ सकते हैं कि इनको और अच्छे से कंप्लीट किया जाता तो ये एक बहुत बढ़िया और रिफ्लेक्शन देते, ये अपने आप में पूरे नहीं लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये इमिटेशंस लगने लगते हैं। तो आप कह सकते हैं, कहने की आपकी पूरी आजादी है, लेकिन हाँ इसको पॉजिटिव नोट पर आप छोड़ सकते हैं कि ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है कि वो एक दौर था जबकि ट्रिपेटाइट स्ट्रगल चल रहा था, पाल उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, कनौज का वो क्षेत्र जो काफी हमेशा टेंशन वाला रीजन था, इसके बाद भी इतना जो आर्ट एंड कल्चर फ्लोरिश हुआ है ये काबिले तारीफ है। और इसके जो एविडेंसेज हैं वो एक नया राह देते हैं, और आज के बाद से आप देखेंगे कहीं पर आप ईस्ट के तरफ बढ़ जाइए, यानी बांग्लादेश का क्षेत्र हो गया, म्यांमार का क्षेत्र हो गया, इसके बाद कंबोडिया, मलेशिया, यहाँ तक जो पाल कला का रिफ्लेक्शन नजर आता है उनके स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, उनके स्टाइल ऑफ स्कल्पचर में, उनके स्टाइल ऑफ पेंटिंग में, ये इसकी बहुत खास बात है, आप इसको बता सकते हैं। और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर की बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह को अपने ब्रिमिंगहम लाइब्रेरी में ले जाके म्यूजियम में रख दिया है, सजा दिया है, ये भी अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं, जरा सा आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में बता दें, लेकिन यहाँ इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस आप उम्मीद कम ही करेंगे, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। तो ये मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार के कल्चर से रिलेटेड है, यहाँ के लोगों से रिलेटेड है, फोक से डायरेक्टली रिलेटेड है। और वो समय था, कहा जाता है कि जब रामायण का युग था, राम जी का समय था, और जब राम जी का और सीता जी का ब्याह हो रहा था तो वो इस तरीके के पेंटिंग्स बनाए गए थे स्वागत करने के लिए राम जी का। उसी समय से इस तरीके के पेंटिंग्स हो रहे हैं, और इस पेंटिंग में आपको बहुत तरीके के पहलू नजर आते हैं, कई बार ये रिलीजियस भी होते हैं, कई बार ये सेकुलर भी होते हैं। और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि जो रिलीजियस पेंटिंग्स हैं तो उनकी एक खास बात ये है, या जो सेकुलर हैं उनकी भी, कि ये बड़े ही अलग अलग किस्म के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में बने होते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप राधा और कृष्ण को देख पा रहे हैं, यहाँ आपको गौतम बुद्ध नजर आ रहे हैं। तो जो भी बिहार के कल्चर में चीजें हैं उनको दिखाया गया है। आप पिक्चर्स को देखिए, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ यहाँ पर जो 2D में दिखाया गया है, बॉर्डर बनाया जाता था, नाक वगैरह को काफी पॉइंटेड दिखाया गया है, ये सब कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में। और एक दो बात जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ मछली वगैरह का भी पेंटिंग में बहुत ज्यादा यूज किया गया है। दूसरी अच्छी खास बात मैं आपको बता दूं पहले, उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे, कि जो ये पेंटिंग है इसको मेनली 2 से 3 स्टाइल में देखते हैं। पहला स्टाइल जो कहलाता है उसको कहते हैं कि कुहबर पेंटिंग, मतलब कि जो नए नवेले शादीशुदा जोड़े होते हैं उनके घरों में ये इस तरीके की पेंटिंग्स की जाती है। और ये जनरली देखा गया है कि इसमें इरोटिसिज्म भी नजर आया है, कई बार इस तरीके के इरोटिक्स पेंटिंग भी नजर आते हैं। और बाकी जो घरों में हो, जैसे कि जो घर का ही पूजा घर होता है उसमें जो पेंटिंग हुई उनके दीवालों पर, तो वो कहेंगे कि ये पूजा घर की पेंटिंग है, एक वो हो गया, ये मुराल पेंटिंग का टाइप हो गया,
एक और इसमें पेंटिंग होती है जिसमें कि रंगोली बनाते हैं, यानी फर्श पर बनाते हैं, अरिप्पम बनाते हैं। कुछ लोग इसको टैटू के रूप में भी बनाते थे, टैटू ही बना लेते थे, और उसको बोलते हैं गोदना। ये काफी टिपिकल वर्ड्स हैं बिहार के, भोजपुर के भी क्षेत्र में यूज होते हैं। गोदना यानी जो वो पुराने स्टाइल में जो यहाँ पर टैटू बनाए देते हैं, और अगर आप कभी गांव जाते हैं तो आपको वहां पर जो वृद्ध महिलाएं हैं वो इस तरीके से गोदना उनके हाथों पर आपको नजर आ सकता है बना हुआ। उसमें भी कई बार मिथिला पेंटिंग का रिफ्लेक्शन नजर आता है। मिथिला क्षेत्र से ये आता है तो मिथिला भी कह लेते हैं, मधुबनी पेंटिंग भी कह लेते हैं, और इनका जो शुरुआत है वो मिथिली विलेज से है बिहार के, और इसकी शुरुआत होती है वुमेन ऑफ द विलेज ड्रू दीज पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ देयर ड्वेलिंग्स एज अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स होप एंड आइडियाज। ये जो महिलाएं हैं वो जो फील करती हैं उसको वो रिफ्लेक्ट करती हैं। हिस्टोरिक टाइम से ये महिलाएं बनाते आई हैं, लेकिन अब को इसमें आपको मेल पेंटर्स भी नजर आते हैं। जो ये पेंटिंग्स हैं इस तरीके से इमर्ज होने लगी, कल्चर का हिस्सा बनने लगी, फेस्टिवल्स में स्पेशल ओकेजन्स पर बनाया जाने लगा। शादी ब्याह है तो बना दिए, अच्छे पर्व त्योहार आ रहे हैं फिर बना दिए, और इस तरीके से ये जो मधुबनी पेंटिंग है ट्रांसवर्स करता है जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज है, और ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट तक चला जाता है। अब बड़े बड़े पेंटिंग्स बनने लगते हैं, बिकते भी हैं, इंडिया में भी बिकते हैं, अब्रॉड बिकते हैं। और आजकल खास बात ये है कि जो मिथिला मधुबनी के पेंटिंग्स हैं ई कॉमर्स साइट्स पर इन्होंने धूम मचा दिया है, सरकारें इसको प्रमोट कर रही हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं कि जो SBI का डेबिट कार्ड है उस पर भी मिथिला कार्ड मिथिला पेंटिंग का रिफ्लेक्शन नजर आता है। इसी तरीके से पटना में जो भी कॉलेज हैं और जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन सबको मिथिला आर्ट से पेंटेड कर दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग से पेंटिंग कर दिया गया है सारे दीवारों को, जो भी कॉलेज वगैरह हैं, इवन जो मिथिलांचल क्षेत्र है वहां का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी इसी तरीके से पेंटिंग किया गया है। तो ये बढ़िया बात है। तो अब जरा सा स्टाइल वगैरह की बात कर लें तो क्लॉथ्स वगैरह का यूज किया गया है, और हैंडमेड पेपर को भी यूज किया जाता था पहले छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाने के लिए। जो थीम्स हैं ये जो होते हैं ना नहीं डाइवर्ट करते हैं, सिंस द ओरिजिनल पेंटिंग वेयर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पार्टिकुलर जियोग्राफी। और अब के लिए ये पेंटिंग जो है 3D भी यूज करते हैं, लेकिन इनिशियली आपको 2D ही ज्यादा नजर आते हैं। यहाँ पर भी जो पेंटर्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के मदद से कलर बनाते थे, जैसा कि पटना कलम में देखे हैं ब्लैक कलर यहाँ बनाया जाता था, सूट यानी वही जो राख हो गया और काउडंग मिक्स करके, येलो कलर टर्मरिक यानी कि हल्दी को मिलाते थे दूध में, और केला के छिलके वगैरह से पत्ता से बनाते थे। ब्लू कलर जो है वो नील का यूज करते थे, नील वाले क्षेत्र बगल में है चंपारण तो वहां से ले लेते थे। लाल कलर रेड सैंडस्टोन से कहने का मतलब है, और जो जूस है कुसुम फूल का उसको भी यूज कर लेते थे। हरा कलर तो इसी तरीके से वुड एप्पल ट्री से, व्हाइट कलर जो है ये जो चोकर हो गया चावल का जो आटा है उससे निकाल लेते थे, ऑरेंज कलर जो है ये पलाश के फूल से। तो ये सब अगर आता है तो इसको आप बना सकते हैं, बता सकते हैं। एक डबल लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है इस पेंटिंग में आउटलाइन के लिए, और जो गैप है उसको भरा जाता है अलग अलग तरीके के क्रॉस या स्ट्रेट इस तरीके से मिनिएचर बना, मिनिएचर लाइन से उसको पूरा किया जाता है। तो आप इसके डेवलपमेंट को बता सकते हैं। कुछ कुछ इसमें इमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि आप यहाँ नाम दे सकते हैं जगदम्बा देवी का, सीता देवी का भी नाम आप बता सकते हैं। सीता देवी को अवार्ड दिया गया था बिहार रत्न 1984 में, और फिर शिल्प गुरु अवार्ड मिला है इन्हें 2006 में। इसी तरीके से बहुआ देवी का नाम है, ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, और इन्होंने मिथिला पेंटिंग को एक वर्ल्ड लेवल पर पेंटिंग के रूप में दिखा दिया, दर्शा दिया। और अब बिहार से जो ट्रेनें आती हैं उन पर भी इस तरीके के पेंटिंग्स बने हुए हैं, और लोग समझ जाते हैं कि ये कहाँ से ट्रेनें आ रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजनल अपग्रेडेशन है, अपने पेंटिंग को प्रमोट करना, अपना आर्ट को प्रमोट करना, कल्चर को प्रमोट करना, जो हमारे DPSP में बातें की गई हैं, कई बार हमारा फंडामेंटल राइट्स का भी ये हिस्सा है। और उन चीजों को जितने अच्छे से अभी रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, ई कॉमर्स इसमें बहुत एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन होता है तो जो हमारी पुरानी चीजें हैं, पद्धतियां हैं, वो धूमिल होने लगती हैं, लेकिन इसके उलट ई कॉमर्स के आने से अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी ऐसे जो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स बिकने लगे हैं। जहां मास स्केल में ऐसी पेंटिंग्स चाहिए वहां पर फ्लेक्स बोर्ड पर भी इनको प्रिंट किया जा रहा है, यानी ये समय के साथ अपग्रेड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेशन हो रहा है। और बिल्कुल ये सही बात है कि जो खुद को अपने समय के साथ अपग्रेड रखता है वो कभी भी पीछे नहीं होता है, हमेशा रेस में आगे रहता है, और यही करके दिखा रहा है बिहार का मिथिला या मधुबनी पेंटिंग। तो आर्ट एंड कल्चर में ये
अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो बहुत है, मोर देन इनफ है, और इस पर आप बहुत कुछ और भी एडिशनल रिसर्च करके अपने हिसाब से चीजों को लिखिएगा, मैप बना सकते हैं, अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो स्तूपा का डिजाइन बना दीजिएगा, कॉरिडोर जैसे मैंने आपको बिहार में दिखाया था वैसे दिखा सकते हैं, तो उससे बड़ी ही डिसेंसी आएगी। आप कई इन जगहों पर भी स्टडी आईक्यू को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप यहाँ doubt.studyiq@gmail.com पर पूछ सकते हैं या इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।